पीछे की ओर पटक दिया है। ये हुआ बाय बॉल। महावीर सिंह फोगाट ने इसके साथ 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं और ये चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। रॉ मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है, प्यार से, मेहनत से, लगन से। इस टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों का काफी निराशाजनक प्रदर्शन। हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी सपना था देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। जो मैं करना चाहता था वो हमारा बेटा करके दिखावेगा। देश के लिए गोल्ड जीतेगा हमारा बेटा, अपना तिरंगा सबसे ऊपर लहराएगा। रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की एक और हार। मुबारक हो भाई साहब, चौथी भी छोरी हुई है। मैं आपको छोरा ना दे पाई। गलत मत समझ मने, गीता और बबीता दोनों ही बहुत प्यारी हैं मने, पर मेरा जो सपना है ना सिर्फ छोरा ही पूरा कर सके। लगता है गोल्ड मेडल के लिए भारत को और इंतजार करना पड़ेगा। देखो ना भाई साहब, कितनी बुरी तरह से मारे है, सुझा दिया है मार मार के। क्यों मारा? मन ने ना मारा था भाई। गीता बबीता ने मारा है। शुरुआत इन्ना करी थी पापा, मना कुतिया कह रहा था बबीता ना कमीनी, हम ना बिटा दिए दो चार। मैं हमेशा यो सोच के रोता रहा कि छोरा होता तो देश के लिए कुश्ती में गोल्ड लाता। यो बात मेरी समझ में ना आई कि गोल्ड तो गोल्ड होता है, छोरा लावे या छोरी। और वो चीज जो पहलवानी से इनका ध्यान हटावेगी मैं उसने हटा दूंगा। हाथों की पहलवानी अब दंगल होगा। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर सिल्वर जीती तो आज नहीं तो कल लोग तन्ने भूल जावेंगे, गोल्ड जीती तो मिसाल बन जावेगी। और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। अरे भेड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। दंगल दंगल दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, करें मारी चोरियां छोरों से कम है के।